और यही ओजी कुशवाहा काम होने वाला है इधर। बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो मैनिक माइनर्स? तो सबसे पहले थैंक यू ज़ेनॉन डी कोस्टा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैनिक माइनर्स का टीम का एक हिस्सा बनने के लिए। ये रिक उन्हीं का है जो गोवा जाने वाला है एंड उन्होंने अपने रिक का नाम रखा है दी ओजी कुश, और वैसे ही ओजी कुश वाला यहाँ पे काम होने वाला है एकदम कैड़ा। तो अब मैं बता दूँ इसमें हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे 5/16/16 सुपर के साथ एक 30/16 यूज़ करने वाला है, विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर दिस मदरबोर्ड। आप सोच रहे हो यार एक जो 30/16 है वो 16/16 के साथ कैसे लगेगा, तो वो हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। पहले कंपोनेंट प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं हमारे कैसे मैं क्या सेटअप करूंगा वो तो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा जोटेक का गेमिंग कार्ड 1660 सुपर, ये हमें पड़ा है 53,500। मेरे साथ डिबेट मत करना प्लीज़ गाइस, बिकॉज मार्केट मेरे हाथ में नहीं है। मार्केट इज़ लाइक अप एंड डाउन, रोज हो रहा है। मार्केट में जो रेट मिलता है, इफ़ दी क्लाइंट इज़ हैप्पी वी जस्ट बाई दी कार्ड्स। मे बी कभी ऊपर चले जाता है, जैसे कि कभी कभी 1660 सुपर बीच में 63,000 का भी हो गया था, फिर कभी कभी 50 का भी हो जाता है। तो इट्स नॉट ऑन अस, जो भी मार्केट रेट रहता है वही क्लाइंट को मिलता है। अब ये 1660 सुपर का हो गया। 3060 जो है हमारा वो भी हमें मिला है 75-76,000 के अराउंड। अब ये ग्राफिक कार्ड हमारे मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब मदरबोर्ड के बारे में जाते हैं। हमारा स्टील लेजेंड B450 एजरॉक का जो है ये हमें पड़ा है 9,000 का। इसके साथ जो प्रोसेसर लिया है हम लोग ने AMD का Ryzen 3 2200G विच कॉस्टेड अस अराउंड 8,500 रुपीज़। इसके साथ हमने लिया है ये M.2 NVMe जो 128GB है WD ग्रीन का, ये दिस कॉस्टेड अस अराउंड 2,300। अब यार वो जो नॉर्मल SSD है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा फास्टर है और इसमें क्या होता है स्पेसिंग, मतलब वो वायरिंग कम हो जाती है, डायरेक्टली मदरबोर्ड पे जाता है, जस्ट स्क्रू इट अप, इट्स टू ईजी। सो दैट्स वाई मैंने ये लिया। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे Intec 750W की। सो सॉरी, अरे भाई तू गिर क्यों रहा है? सो Intec 750W हमें पड़ा है अराउंड 8,000 ईच, इट्स लाइक 16,000 का दोनों पड़ा है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे मॉनिटर की। अब मॉनिटर वही हमारा HDMI मॉनिटर है, जस्ट बिकॉज हम लोग इसमें HDMI डमी प्लग नहीं यूज़ करते और डमी प्लग मिलता भी नहीं है यार, कभी कभी Amazon में अनअवेलेबल रहता है, तो हम लोग HDMI वायर से डायरेक्टली इसको करेंगे तो फुल मेगा हैश भी देगा और बढ़िया चलेगा। सो दिस Zepster का हमारे मॉनिटर पड़ा है हमें 3,000 रुपये का। अब वायरिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। HDMI 100-150 Cat6 केबल 100-150 समथिंग लाइक दैट, 3 मीटर का Cat6 है। अब इसी के साथ ऑन ऑफ स्विच हमारा पड़ा है 100-150 समथिंग, ये भी लोग पता नहीं क्यों इतना चार्ज करते हैं, एक छोटा सा स्विच ही तो है यार। फिर उसके बाद हमारा राइजर 9 वर्जन, दिस कॉस्टेड अस अराउंड 1,000 रुपीज़। अब राइजर का भी डिमांड इतना ऊपर हो गया है एंड सप्लाई चेन इतनी कम है, उसकी वजह से राइजर का भी मतलब मार्केट में रेट ऊपर नीचे हो रहा है। हमने 1,000 रुपये का लिया, ये मार्केट में 1,200 का मिल रहा है, मतलब 1,100 का मिल रहा है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एंड अब ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट वायरिंग के साथ। ओके सो सॉरी, मैं हर बार रैम भूल जाता हूँ भाई लोग। DDR4 4GB रैम हमें पड़ा है क्रूशल का 2,150 रुपीज़। अब इसके साथ हमारा ये जो भगवान वाली चीज़ है, इसकी वजह से हमारा ये पूरा कनेक्शन पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज 3060 लगने के बाद स्लॉट ब्लॉक हो जाता है। तो दिस इज़ थर्मलटेक का 16/16 PCI। अब ये मदरबोर्ड पे जाएगा और यहाँ पे कार्ड जाएगा, उससे क्या होगा स्लॉट हमारा फ्री हो जाएगा। सो दैट्स द रीज़न ये हमें पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपीज़ का। अब इस वजह से हम भाई ये रिग बना पाएंगे, ये समझ लो। अब क्या बाकी रह गया, ये रहा, ये हमारा कीबोर्ड माउस हम लोग ने सबसे सस्ता लिया है अराउंड 400 रुपये का। सो हमारे सारे कंपोनेंट सारे वायरिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 450,000 के अंदर ये रिग बनने वाला है। मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा कि प्रॉपर कॉस्टिंग क्या है प्लस करके। सो ये मैंने तुम्हें कॉस्टिंग बता दी और कंपोनेंट्स बता दे, चलो अभी रिग बनाते हैं और मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ टोटल मेगा हैश कितना देता है। यार विनीत क्या बकचोदी मचा रखी है, जल्दी बाहर आ यार, बाल बना दे मेरे, मेरे को यार सेटअप करना है, तब से बाल खराब हुए, तब से बुला रहा हूँ, रोज नहीं सुन रहा है, जल्दी आ। क्या बोलते हो, बाल बनाने दे, रुक रुक तेरा बाल आ जा। ऐसे बाल बना रहे हैं, रुक तेरी बकैती कम करता हूँ, रुक जा रुक। तो यार गाइज यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यार, बेसिकली शॉर्ट वीडियो दिखा रहा हूँ, मदरबोर्ड के बाद उसमें CPU लगाना, जो भी बेसिक स्टेप्स है वो एक दिखा रहा हूँ। तो ये देखो और समझो, जो बेसिक स्टेप्स है तुम्हें बेसिक नॉलेज जो है वो मिल जाएगी, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे मैंने TikTok वाला थोड़ा सा कोशिश किया है, बट
कमेंट करके बताओ तुम्हारे पास अगर माइनिंग रिग है, तुम माइनिंग में जाना चाहते हो, माइनिंग करना चाहते हो, व्हाट आर द रिस्क एंड प्रोस एंड कॉन्स, व्हाट आर यू सीइंग इन माइनिंग, या तो फिर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको उस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट करके मुझे बताओ, श्योरली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सीपीयू लगा दिया मैंने, फिर ये लगा दिया, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। रैम भी लगा दी, अब यार अपना बाकी है एसएसडी। अब एसएसडी के लिए चलो लाते हैं एसएसडी को। यार लगना था तेरे को, लगा क्यों नहीं? रुको एक सेकंड। अरे यार अब देख यार, तू तो लग गया, स्क्रू लगना बाकी रह गया। ठीक है चलो ये तुम्हारे सामने कर लेता हूँ। तो ये हमारे 2 SMPS आ गए, इसको अनबॉक्स करते फटाफट से। सर ये देखो एनटेक का जो हमारा पावर सप्लाई, कितना कैड़ा पैकिंग है यार। अब ये देखो पूरी कवरिंग में आया, अब ये कवर निकालता हूँ मैं, बिल्कुल ही बिल्कुल फुल एकदम प्रीमियम वाली फीलिंग है यार। वायरिंग क्वालिटी देखो बस एनटेक की, मतलब ज़बरदस्त। वेलक्रो जिप टाइज भी दिया है, मतलब समथिंग न्यू, समथिंग लाइक इनोवेटिव। जल्दी से मैं पहले वायरिंग कर लेता हूँ इसका, अब समझ लो बेसिक वायरिंग करके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। चल ले इसमें वायरिंग क्या होने वाली है। इसमें जो हमारा 24 पिन है, ठीक है, जो हमारा एक 24 पिन है वो मेन, एक सेकंड आउटर फोकस चला गया, हाँ एक 24 पिन इसमें जाएगा। इसमें ही एक ATX है अपना, जो 8 पिन का होता है, ये तो PCI है, ये अपना CPU, ये अपना 8 पिन है, ये जाएगा हमारा इधर। सो दिस इज लाइक हमारा इसका वायरिंग हो गया। इसके बाद हम लोग ने जो ये वायरिंग है इसमें भी लगाए हैं सेम टू सेम, बस इसमें एक दो कम किए, जैसे ATX इसमें लगने नहीं वाला और एक तो ATX नहीं लगाया, बाकी 24 पिन लगाया, बिकॉज 24 पिन से जंप स्टार्ट करना है तो ही ये चलेगा। सो वंस दैट इज डन, आफ्टर दैट इसमें देखो जैसे टोटल 6 कार्ड है, तो मैंने एक साटा लगाया है इसमें, टोटल 4 मेरे को आउटपुट मिल रहा है साटा के, तो इसमें से 3 राइजर में जाएंगे और इसमें से 3 राइजर में जाएंगे जो हमारा दूसरा SMPS है। सो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लोड ना पड़े और बढ़िया चले। अब मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्या मैं करने वाला हूँ, तो फटाक से मैं वायरिंग कर लेता हूँ हर एक चीज़ की और ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगा देता हूँ। सो यू विल सी एवरीथिंग राइट नाउ ओवर हियर। सो हमारी वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक वायरिंग जो है हमारा मदरबोर्ड पे जो जाता है ये हो गया है, फिर हमारा जो ATX जाता है वो हो गया है। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने ये यूज़ किया NVMe यूज़ किया, तो यार साटा से मेरे को और एक उसको देने की ज़रूरत नहीं है, फिर पावर देने की ज़रूरत नहीं, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमारा यहाँ पे काम होता है। अब मेरा देखो ये जो है, अब मेरा 3060 इसमें आएगा और यहाँ पे आएगा, और बाकी के जो है वो यहाँ से घूम घूम के सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो यार वो रहे ज़ोटैक के कार्ड्स हमारे 1660 सुपर, जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। सो यार अनबॉक्सिंग हो गई है, ये सारे प्यारे कार्ड्स देख लो, छोटे छोटे कुची कुची कू वाले ज़ोटैक के 1660 सुपर। अभी यार अभी क्या बोलते हैं, ये हमने अनबॉक्स तो कर लिया, अब इसको सब यहाँ पे लाइन से लगा देते हैं। तो यार अब ये प्यारे माइनिंग रिग पे देखो, हम लोग ने फटाक से, मतलब जैसे ही हमारा मदरबोर्ड का बेसिक वायरिंग हो गया, उसके बाद सारे ग्राफिक कार्ड लगा दिए। ग्राफिक कार्ड का भी ज़्यादा वायरिंग है नहीं यार, मतलब बस ये साटा पे लगाना है और फिर ये USB का जो भी हमारे मदरबोर्ड पे लगाना है। सो वायरिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, मतलब पूरी हो गई है, बस इसमें अब जो मैं बता रहा हूँ जैसे विंडोज़ वगैरह डालना है, अब थोड़ा BIOS के टाइम पे थोड़ा दिक्कत आता है, ये निकाल के करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे जादू हुआ है, अगर मैंने 3060 डायरेक्टली लगा दिया होता, मतलब ये इस पे लगा दिया होता, ये ब्लॉक हो जाता, बट यही रीज़न है ये वाला राइजर मंगवाया मैंने 16 स्लॉट वाला, अब ये डायरेक्टली इस पे लग गया, तो ये 5 स्लॉट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 5 स्लॉट हम लोग ने 1660 सुपर के लिए यूटिलाइज़ किया, मतलब पूरा मदरबोर्ड अच्छे से यूटिलाइज़ होना चाहिए, वो हमने किया है काम इधर। सो सब कुछ हो गया सेट, चलो इसको चालू करके देखते हैं। हार्डवेयर के बाद प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, अब मैं ये बताता हूँ। अब हार्डवेयर के बाद मेरे सारे कार्ड्स डिटेक्ट करने में थोड़े टाइम लगे, डिटेक्ट करने के बाद अब मेरे को एम तो वही होता है पूरा इसको यूटिलाइज करना है, जैसे कि यार मैंने अभी B450 में मैंने सुना था कि जैसे ही हम लोग .NVMe लगाते हैं उसके बाद एक स्लॉट डिसेबल हो जाता है, बट मेरे साथ ये पहले नहीं हुआ था ना अभी हुआ। अभी ये देखो मैंने इसमें NVMe लगाया, पहले मैंने एक ब्रिक बिल्ड किया था 1660 सुपर का, 6 1660 सुपर के साथ, सुपर के साथ यही मदरबोर्ड पे, जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाके लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी देख सकते हो। अब वहाँ पे मैंने, मेरे को एक अश्योरिटी मिल गई कि अपना PCI स्लॉट एक डिसेबल नहीं होता, जो PCI मतलब PCI स्लॉट क्या होता है, अपना जो ग्राफिक कार्ड का जो ये पोर्ट है वो जिसमें लगता है वो डिसेबल नहीं होता, मतलब अपना और एक ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं।
अब तभी क्या सीन हुआ, मैंने ये सुना, एक अफवाह सुना, ये गलत था जिसने भी बोला। अब सेकंड था, मेरे को किसी ने बोला जो 16 स्लॉट PCI है, मतलब जिसमें हम 3060 लगाएंगे, अगर वहाँ पे हमने 1316 लगाया तो एक और दो स्लॉट डिसेबल हो जाते हैं, मतलब इसमें 6 स्लॉट से टोटल 4 स्लॉट यूज़ कर सकते हैं, 2 स्लॉट नहीं यूज़ कर सकते। सो दिस वॉज काइंड ऑफ एन मेरे माइंड में था कि यार ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने वेबसाइट पर देखा हुआ है, कभी भी जेन्युइन सोर्सेज और वेबसाइट में जाके तुम ये चेक कर सकते हो कि इसमें कौन से स्लॉट्स है। अगर 16 स्लॉट अगर मैंने लगाया तो दूसरे सारे स्लॉट्स डिसेबल होंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे, वो सारी चीज़ें तुम ऑफिशियली वेबसाइट पे देख सकते हो। मैं बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या इनकाउंटर हुई, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ समथिंग मैं अपने प्रॉब्लम शेयर करूँगा, मेरे को किस चीज़ में कंफर्टेबल, मतलब मेरा किस चीज़ में स्मूथ गया, जो मेरी वहम था कि यार NVMe यूज करने के बाद अपना एक डिसेबल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें शेयर करने से क्या होता है, तुम्हें भी नॉलेज मिलेगा, कहीं कहीं पे मैं अगर गलत होऊंगा तुम भी मुझे नॉलेज दे पाओगे। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल एंड माइनिंग रिलेटेड जो भी कंटेंट हम बनाते हैं सारे चैनल्स, हमारा यही है कि यार कहीं पे हम गलत है तुम हमें सही करो, कहीं पे तुम गलत हो हम तुम्हें बता सके सही कर पाए। लुक भी बहुत अच्छा है। अब ये देखो यार, मेरे को ये बताना था, ये चीज़ देखो, हमने इसको फ्लोटिंग बनाया, जैसे मैंने तुम्हें शायद इंस्टा स्टोरी पे अपने बताया था, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। अब ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि ये जो हमने एक लकड़ी किया था इसकी वजह से ये डायरेक्टली इस साइड बेंड हो रहा था, सो हमने यहाँ पे दो सपोर्ट दिए, फिर एक, मतलब टोटल ऑफ 6 सपोर्ट्स दिए, तब जाके एकदम स्ट्रॉन्ग बना है। और ये जो है ना हमारा एक फ्लोटिंग लुक आया है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्क्रू डालना था, नीचे नो सपोर्ट एंड इट इज़ वर्किंग रियली फाइन, मतलब अच्छा है। अब से मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा कि सारे मेरे कस्टमर क्लाइंट्स को ऐसा लुक वाला रिग बना के दूँ, क्योंकि उनको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि रुक का जो रिग का लुक है वो भी एकदम एनहांस्ड है। अभी लुक्स की बात हो गई, अब काम कितना बढ़िया करता है, कितना मेगा हैश है वो दिखा देता हूँ। सो ये देखो हमारा जो 3060 है वो हमें दे रहा है 49.25 मेगा हैश, अच्छा दे रहा है, अच्छा चल रहा है। जो हमारे बाकी के 1660 सुपर है वो हमें 32.50 के अराउंड दे रहे हैं, एक 32.50 हम एवरेज पकड़ सकते हैं। सो टोटल ऑफ हमें मिल रहा है 210 टू 212 मेगाहर्ट्ज़ एक एवरेज पकड़ सकते हैं जो हमें मिल रहा है, 210 एट दी लोएस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमें कितना ही मिल रहा है, तो दो कम भी पकड़े तो 210 मेगाहर्ट्ज़ इस रिग के साथ हमें अचीव हो रहा है। अभी ग्राफिक कार्ड के प्राइस बहुत बढ़ गए, सो क्या कर सकते हैं, रिग बिल्ड करने जाते हैं, GPUs के मेन कॉस्टिंग की वजह से पूरी प्राइस ऊपर आ जाती है। हर एक बात करने के बाद अब प्रॉफिटेबिलिटी पे चलते हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी पर मंथ पर ईयर माइनिंग कितना हो रहा है, इथेरियम कितना माइन हो रहा है, प्लस उसके साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी कितना जा रहा है वो मैं बता दूंगा तुम्हें थोड़ी ही देर में। सो हम बहुत ही जल्दी मैनिक ओरिजिनल ड्रॉप करने वाले हैं। व्हाट इज मैनिक ओरिजिनल? मैनिक ओरिजिनल में हम लोग काइंड ऑफ हिप हॉप लूज काइंड ऑफ टी शर्ट्स हम लोग डालने वाले हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स होंगे, वेरियंट्स होंगे, जैसे ये नाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक, मे बी पीच कलर, मतलब एकदम ओल्ड स्कूल हिप हॉप टाइप काइंड ऑफ टी शर्ट्स रहेंगे, लाइक बैगी कैप पैंट्स एंड एवरीथिंग, बहुत ही मतलब प्यारा एकदम ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ ड्रेसिंग हम लोग लॉन्च करने वाले हैं हमारे मैनिक ओरिजिनल्स में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ मैनिक ओरिजिनल और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, प्लीज फॉलो कीजिए एंड सपोर्ट अस। तो यार ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तो यार ज़ेनॉन डिकॉस्टा भाई का प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताऊंगा, मैंने ये पैकेज कैसे शिप किया उनको गोवा को, अपना माइनिंग रिग कैसे शिप किया और उसके बाद उन्होंने कैसे इजिली एकदम से मतलब सारे कनेक्शन कैसे किए, और जो कस्टमर रिव्यू है उनका उन्होंने भी एक वीडियो बना के अपने एंड से भेजा है, सो आई एम गोना कंबाइन दैट एंड शो इट टू यू गाइस। सो बने रहिए पार्ट टू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। Oh,